करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ, स्कूल से नहीं, स्कूल के आज अंजलि का बर्थडे है, तो सुबह सुबह वो भी काम था, अंजलि को तैयार करके स्कूल भेजना है 8 बजे से पहले। आज उसका पेरेंट्स मीटिंग था, तो वो भी मुझे 10:30 बजे से पहले जाना था। तो आज मैं जब निकली ना, तो मुझे कितने सारे लोग मिले, 3-4 लोग पहले। तो पहले मैं पेरेंट्स मीटिंग गई, मैं गई, फिर उसके बाद में ये दुकान गई, वहाँ से फिर दीदी के घर आई, तो वहाँ पे उनका ओनर मिल गई, फिर उनसे बात हुआ, फिर दीदी से बात हुआ, फिर उनके घर से निकली। तो एक और मेरे गांव की नहीं, हम लोग जो इस बिल्डिंग में रहते थे, तो वो भी पेरेंट्स मीटिंग में, मतलब वो दूसरा स्कूल है उनके बच्चे को, तो वो भी जा रहे थे, तो भी मिली, हाय हेलो हो गया। और मतलब ऐसा होता है कई बार ना, हम एक हफ्ता तक या किसी से मिल भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते, और रास्ते में तो बहुत सारे लोग रहता है, बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते हैं, और ऐसे जान पहचान वाला लोग मिल जाता है। तो इसलिए मैं आज निकली हूँ, तो कितने मतलब 2-3 लोगों से मैंने बात किया। तो हाँ, और दुकान वाले भैया की वाइफ मिल गई रास्ते में, मैं आ रही थी दुकान से, तो फिर वो भी रास्ते में मिल गई। तो मतलब इतने से खुशी हुई कि आज मैं कितने सारे लोगों से मैंने बात किया। तो मैं सोच रही थी मैं ना पाँव ना अभी ठीक है, आराम हो गया, तो मुझे लगा शायद मैं चल फिर पाऊंगी या नहीं बिना हॉस्पिटल जाए हुए। ठीक है, ओके है मेरा पाँव, बिना खाए पिए भाग के स्कूल गई। आयुष बोल रहा था 10:30 बजे से, 10 बजे तुम्हें आना है तो आना है, लेकिन 10:30 बज गए, घर में ही कपड़ा धोया, साफ सफाई किया, आप दीप उप नहीं जलाई, वैसे ही भाग गई स्कूल। तो अब मैं जा रही हूँ, खाना भी नहीं, पार्टी नहीं होने वाला है, छोटा सा ही बनाऊ, जैसे आयुष का बर्थडे बनाए तो वैसे ही मनाऊंगी। तो इसलिए बोलने के लिए गई थी दीदी को आने के लिए, तो उनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। मैं इस दुकान से क्या क्या लेके आई वो भी आप लोगों के साथ में दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने चूड़ी लिया है ये वाला, इस कलर का साड़ी का, और क्या लिया है ये पाउडर, इसमें छोटा सा गिफ्ट है, जब खोलूंगी तो पता चलेगा आप लोगों का, अंजलि के लिए लिया है, और मेहंदी कौन, और ये कान का ये वाला देखिए साड़ी कलर का, मैंने कोई ग्रीन वाला साड़ी नहीं डाला है ना, तो इसलिए मैं चूड़ी लेने के लिए, चूड़ी इतना ही था, एक दर्जन लेना चाहती थी, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है डालना, पूरा भर भर हाथ के, तो हाथ भर के मुझे पसंद नहीं है डालना, तो ये वाला देख ही सकते हैं ग्रीन वाला है। तो फिर मैंने सोचा वो वाला मजबूत है चूड़ी, लेकिन इतना ही था, 8 ही चूड़ी था, तो फिर जितना में हो सकता उतना में मैंने लिया है, तो डालूंगी तो पता चले आप लोगों को। तो ये अपना मैनेज कर ली है, आप लोग वीडियो के साथ बने रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को आज अंजलि के बर्थडे, और उसका कपड़ा भी लेके आई हूँ, तो डाल के गई है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ शाम तक, अभी मैं साड़ी उड़ी मैं खोल देती हूँ, तो शाम में डाल लूँ। अभी शाम के 6 बजे है, अंजलि स्कूल से आ गई है, और उसको देखना चाहोगे आप लोग, देखिए एकदम लाल, पियर लाल और ब्लैक कलर की, इसको यही सही कपड़ा पसंद आता है, तो इसीलिए इसके लिए फ्रॉक व्रॉक नहीं आता है, फैंसी वाला, इसको सॉफ्ट वाला कपड़ा चाहिए। और ये तो खुद के लिए इतना बेकार कपड़ा मंगवाई थी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में, दिखाऊंगा चाहे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी, इतना बेकार कपड़ा मंगवाई थी, और ये कपड़ा मैं पहले से लेके आ गई थी, ये देखिए, मुझे खुद के लिए मुझे लगा मुझे पसंद आया, लेकिन मेरे साइज का नहीं था, इसी के लिए ली थी, लेकिन ऐसा वाला पेंट मुझे पसंद है, ये ब्लैक वाला, और इसका इसके लिए ये शर्ट, तो ब्लैक वाइट रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पजामा। तो दिखाती आप लोगों को सब्जी, अभी अंजलि जाने वाली है आधार कार्ड का कुछ करना, आधार कत कुछ जी कत रख लग वही दिन लोग गल इसको आधार कार्ड ना अपडेट करवाना पड़ेगा, इसका जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो नहीं लगता है, मतलब अभी मशीन में ना नहीं आता इन लोगों का फिंगरप्रिंट, तो इसलिए ना अभी इसको अपडेट करवाना है, आज इसको बाद में करवाऊंगी, अभी 15 साल के बाद ही होता है, और
रही इसको देखिए भूत की तरह देख रहा है ना। ले सुबह से पड़ा है पीछे, इतना सारा चीज खाता है फिर भी पीछे पड़ा है। ये देखिए ये आटा गून के रखी हूँ पूरी के लिए, और ये सब्जी चना आलू की सब्जी, और दिन में जो बना था वो भी बचा ही है। ये देखिए मेथी का मेथी साग के पुलाव, और ये देखिए दही का सब बचा ही है। तो रात के अभी 8 बजने वाला ही है, और वो दोनों गए आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए, अभी तक आया ही नहीं। और मैं ये देखिए पूरी बेल करके और इसको अभी छान के रख देती हूँ, और जब आएगा वो लोग तब देखेंगे। केक कुछ भी नहीं आया है, अभी लेके आएंगे तो पता नहीं कब आएंगे। अब अपना हाथ में तो है ही नहीं, 4 लोगों के नंबर के बाद इन लोगों का आने वाला है, तो बोला वो काम भी इम्पोर्टेंट है मतलब कितना टाइम से सोच ही रही थी करने के लिए, तो आज हो जाए। पता नहीं कब आ रहे हैं वो लोग, छान देती हूँ पूरी। केक कट करने के बाद हम लोग खा भी लिए हैं, और सब लोग बैठकर यूं ही बात कर रहे थे, तो फिर सोचा गिफ्ट खोल के आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए अंजलि के लिए मैं क्या लेकर आई, छोटा सा मूर्ति राधा कृष्ण के वाला। तो मुझे ना कृष्ण जी का सिर्फ चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो राधा कृष्ण वाला ही लेके आ गई। अंजलि को राधा कृष्ण से जुड़ी हुई ना कोई भी चीज़ ना बहुत पसंद है, इसको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ इसके लिए। और मेरा भाई भी बोल रहा था कि मैंने देखा तो था लेकिन मैं लेट हो गया, टाइम नहीं मिला, तो अभी ये 8:30 बजे के बाद आया है यहाँ पे, 9 बज चुका था तब आया है ये। तो इसको गिफ्ट ख़रीदने का टाइम नहीं मिला, ड्यूटी से इधर आया है। और देखो इसको दीदी भी ने इसको इसके लिए राधा कृष्ण वाला ही लेके आया, तो इसको बहुत पसंद आया, दोनों गिफ्ट पसंद आया। मैं छोटा सा ही लेके आई हूँ, और बस आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग म्यूजिक चला रहे थे ना, तो इसलिए तो गाना चल रहा था तो इसलिए मैंने म्यूजिक डाल दिया है। और यहाँ पे ना राधिका को अंजलि और ऐसे दोनों खींच रहे हैं अपने अपने तरफ कि आज रात ना रुक जाओ यहीं पर आप, राधिका को। तो राधिका बोल रही है नहीं मुझे मतलब मैं नहीं रुकने वाली हूँ, आप लोगों की बारी है, आप लोग आओ। तो कई बार ऐसा होता है कि अंजलि चली जाती है दीदी के घर, कई बार राधिका लोग आ जाती है, तो शनिवार को रुक जाती है इधर।